प्रवर्तन निदेशालय ने शारदा घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के सिलसिले में नलिनी चिदम्बरम को पूछताछ के लिए बुलाया। नलिनी को सितंबर की शुरुआत में कोलकाता में ईडी दफ्तर हाजिर होने को कहा गया है। नलिनी चिदम्बरम सुप्रीम कोर्ट की वकील है। सूत्रों के मुताबिक ईडी शारदा ग्रुप की तरफ से नलिनी को दी गई फीस के बारे में पूछताछ करेगी। कहा जा रहा है कि शारदा ग्रुप ने नलिनी को फीस के तौर पर 1,26,00,000 रुपए दिए थे। ईडी और सीबीआई नलिनी से पहले भी पूछताछ कर चुकी है, कुछ नए सबूत मिलने के बाद फिर बुलाया गया है। शारदा ग्रुप की कंपनियां पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा समेत कई राज्यों में चिटफंड स्कीम चलाती थी। चिटफंड कंपनियों के जरिए शारदा ग्रुप ने 20 से 30 हजार करोड़ रुपए की ठगी की। करीब 17 लाख से ज्यादा लोग शारदा ग्रुप की ठगी का शिकार बने थे। शारदा घोटाला 2013 में सामने आया था। सीबीआई और ईडी इसकी जांच कर रही है। इसी साल जनवरी में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में नलिनी चिदम्बरम का नाम लिया था, हालांकि उनका नाम आरोपी के तौर पर नहीं है। रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली रेसलर साक्षी मलिक का भारत लौटने पर जोरदार स्वागत हुआ। हरियाणा सरकार ने भी सम्मानित किया। आज सुबह साक्षी मलिक दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची तो ढोल नगाड़ों और तिरंगे लहराकर उनका स्वागत किया गया। हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज समेत कई दूसरे मंत्री भी मौजूद थे। साक्षी ने शानदार स्वागत पर खुशी जताई, कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाकर बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ मुहिम पर जोर देना चाहिए। सभी देशवासियों को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ, उनको बहुत आगे बढ़ाओ, सबको मौका दिया जाना चाहिए। इसके बाद हरियाणा के बहादुरगढ़ में भी साक्षी मलिक को सम्मानित किया गया। जैसे ही साक्षी पहुंची, वहां मौजूद लड़कियों ने माला पहनाकर जीत की बधाई दी। हरियाणा सरकार ने साक्षी को 2.5 करोड़ का चेक दिया। मनोहर लाल सरकार ने साक्षी को हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया। इतना अच्छा वेलकम करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आपने इतना सपोर्ट किया मुझे, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहे कि मैं देश को और मेडल्स दे सकूँ। सहमति हमने ले ली है साक्षी बेटी की, तो साक्षी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर तय करते हैं हरियाणा सरकार की ओर से। साक्षी ने रियो ओलंपिक में फ्री स्टाइल रेसलिंग की 58 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 23 साल की भारतीय पहलवान साक्षी मलिक का ये पहला ओलंपिक था। साक्षी मलिक किसी भी ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर हैं। ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए इस बार साक्षी मलिक को खेल रत्न से भी सम्मानित किया जाएगा। साक्षी समेत 4 खिलाड़ियों को ये सम्मान दिया जाएगा। देश भर में बढ़ते डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों पर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई। डेंगू चिकनगुनिया से रोकथाम के लिए आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने अहम बैठक की। इसमें दिल्ली के तीनों नगर निगम, एनडीएमसी और दिल्ली सरकार के अधिकारियों से चर्चा की गई। निर्देश दिए गए कि 28 अगस्त तक सभी अस्पतालों को डेंगू के मच्छर से मुक्त कराएं। बैठक में ये भी कहा गया कि सितंबर में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों में तेजी से इजाफा हो सकता है, इसीलिए एमसीडी के साथ आम लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से चिकनगुनिया के बढ़ते मामले सरकार के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। दिल्ली में इस बार डेंगू से ज्यादा चिकनगुनिया का असर देखने को मिल रहा है। अब तक दिल्ली में डेंगू के 300 से ज्यादा मरीज सामने आए, जबकि 500 से ज्यादा लोग चिकनगुनिया का शिकार हुए। दिल्ली में अब तक डेंगू से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 2 महीने में दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों में इजाफा हुआ है। दिल्ली के अलावा केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में भी डेंगू तेजी से फैल रहा है। देश भर में बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर इस अलर्ट के बाद अब इलाज के लिए सरकार ने डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। पिछले 47 दिनों से जम्मू कश्मीर में बरकरार तनाव के बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे हैं। 2 दिनों के दौरे के दौरान राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे, राज्य के आम लोगों और राजनीतिक दलों के साथ मंथन करेंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर में अमन चैन फिर बहाल किया जाए। श्रीनगर रवाना होने से पहले राजनाथ ने ट्वीट किया, जिन लोगों का कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत में विश्वास है उनका स्वागत है। हम यही चाहते हैं कि कश्मीर में अमन आए। बीजेपी अलायंस की जो सरकार है, गवर्नमेंट बनी है, उसमें जो एजेंडा है ना, गवर्नेंस का जो एजेंडा था, उसमें सीधी सीधी उसी को लागू यदि किया होता तो ये हालात नहीं होते। 40-45 दिन से
बुरे दौर से गुजरे हैं, बड़े बुरे तरीके से अफेक्टेड हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे और उनसे बातचीत करके तो क्या ऐसे सारी सिचुएशन का क्या समाधान निकलेगा। 8 जुलाई को बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद 47 दिनों से कश्मीर के बड़े हिस्से में कर्फ्यू लगा है। अलगाववादी नेताओं ने कश्मीर में 25 अगस्त तक बंद का ऐलान किया है। कई इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ दुकानें, प्राइवेट ऑफिस, स्कूल, कॉलेज और पेट्रोल पंप भी बंद हैं। हिंसा में 65 लोगों की मौत हुई है, 2 जवान शहीद हुए हैं, करीब 8,000 लोग घायल हुए हैं। लगभग एक महीने में राजनाथ का यह दूसरा कश्मीर दौरा है। वो 23 जुलाई को भी 2 दिन के दौरे पर कश्मीर गए। कानून व्यवस्था को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पूरे राज्य के हजारों बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा को घेरने के लिए पहुंचे थे। जब उन्होंने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की तो पुलिस से भिड़ंत हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार भी की गई। कई कार्यकर्ताओं को चोट आई, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता भी कम नहीं थे, उन्होंने भी पुलिस पर पलटवार किया। आप देखिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी हाथ में लाठी डंडे ले रखे हैं। आखिर ये कैसा प्रदर्शन है? क्या कानून को अपने हाथ में लेना यहाँ पर जायज है? पत्थर फेंके जा रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से पुलिस की तरफ। बीजेपी ने पुलिस की कार्रवाई को बर्बर बताते हुए अखिलेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। पुलिस बल का प्रयोग अपराधियों के खिलाफ, बलात्कारियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ किया होता तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं होता। यह सरकार फेल है। अखिलेश सरकार इस्तीफा नहीं दे रही, इसके बर्खास्तगी की हम मांग करते हैं। कानून व्यवस्था के अलावा महिलाओं के खिलाफ अपराध, जमीन कब्जा और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में यूपी से बीजेपी के सभी सांसदों और विधायकों को बुलाया गया था। बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। 1,000 से ज्यादा सिपाहियों को तैनात किया गया था। आज के प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने यूपी में अपना आंदोलन फिलहाल टाल दिया है।